And now in this session, we will discuss inheritance, and in that we will discuss 6 points in inheritance. So, inheritance, the mechanism of deriving new class from old one is called as inheritance. It's also called as derivation. So, हमारे पास parent class है. Parent class से हमने क्या बनाया? Child class. So, the process is called as inheritance. We called as inheritance. So, old one is referred as base class. New class is referred as derived class or subclass. So, जो parent class रहेगा, उसे हम कहेंगे base class. और जो child class रहेगा, उसे कहेंगे derived class or subclass. Or we called as subclass. It is always nice if we could reuse something that already exists rather than trying to create the same all over again. Obviously सही है, हमारे पास already कुछ functionalities या फिर कुछ चीजें ऐसी बनी हुई है जो हमेशा use करने वाले अपन. So फिर से उसको बनाना मतलब भी tension वाला काम है. तो इसीलिए जो फिर से बनी हुई चीजें हैं उसी को यूज करेंगे. फॉर आर पर्पस हमें कुछ पिछले वाली चीजें बनी हुई है उसी का यूज करके हमने सामने वाली चीजें बनानी है. तो वही करना है हमको, पूरा का पूरा पीछे वाला जो बना हुआ उसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं, जो पीछे वाला है उसको यूज करना है और अपनी चीजें बनानी है. सो देन अगर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो हमारे पास एक कॉलेज कैंपस है और कॉलेज कैंपस में टीचर्स, स्टूडेंट और वॉचमैन तीनों को लेना है. ठीक है, सो हायर करना है, पकड़ लो. तो हमारे पास सो देख लेते उसका एग्जांपल. सो हमारे पास क्लास टीचर है. ठीक है, क्लास टीचर, क्लास टेक्निकल असिस्टेंट और क्लास वॉचमैन. ठीक है, हमारे पास कॉलेज कैंपस में तीन क्लास बनानी है. ठीक है, तो उसके लिए हमें टीचर्स की सपोज इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज्वाइनिंग डेट हम क्या करेंगे, ज्वाइनिंग डेट एंड क्वालिफिकेशन. देन सेम टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ज्वाइनिंग डेट, क्वालिफिकेशन, देन ज्वाइनिंग डेट, क्वालिफिकेशन. तो अब क्या हो रहा है, क्लास टीचर, क्लास टेक्निकल असिस्टेंट एंड क्लास वॉचमैन, उसमें ऐसा हो रहा है कि हर चीज रिपीट हो रही है. जहाँ पे ज्वाइनिंग डेट क्वालिफिकेशन टीचर का जैसे कि वैसा, वॉचमैन का भी ज्वाइनिंग डेट क्वालिफिकेशन जैसे कि वैसा, टेक्निकल असिस्टेंट का भी ज्वाइनिंग डेट क्वालिफिकेशन. तो इनको तीन चीजें अलग अलग है पर तीनों में सेम चीज लग रही है. तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्सनल इन्फो का एक क्लास बनाएंगे. उसमें ज्वाइनिंग डेट और क्वालिफिकेशन को डाल देंगे. ठीक है, क्वालिफिकेशन डाल देंगे तो यहां से सब चीजें हटा देंगे. हम यहां से सब चीजें हटा देंगे. अब बस यहां पे हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है यहां से ले लेंगे. इस क्लास से हमें सपोज टीचर की कुछ अलग इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां से लेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट की कुछ अलग इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां से लेंगे, वॉचमैन की कुछ अलग इन्फॉर्मेशन तो यहां से लेंगे. बट ये जो ज्वाइनिंग डेट और क्वालिफिकेशन ये सब में सेम रहने वाला है तो हम क्या करेंगे, इसको इनहेरिट कर देंगे. तो हमारा पैरेंट क्लास हो गया, दीज आर ऑल चाइल्ड क्लास. तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें भी आ गई, ये इन्फॉर्मेशन इसमें भी आ गई और ये इन्फॉर्मेशन इसमें भी आ गई. सो दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड इनहेरिटेंस. बात क्लियर हो गई, तो इसीलिए हम यूज करते हैं. हमें कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम उसको रीयूज कर रहे हैं. दैट इज बी कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी. तो इसका सिंटैक्स ऐसा रहेगा, क्लास डिराइव क्लास. ठीक है, ये डिराइव क्लास मतलब जो डिराइव क्लास का नाम होता है, सपोज यहाँ पे टीचर आएगा और विजिबिलिटी मोड. तो इनहेरिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है विजिबिलिटी मोड. तो हमारे पास तीन टाइप की विजिबिलिटी मोड है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विजिबिलिटी मोड लिखेंगे, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और यहाँ पे बेस क्लास का नाम. सो हमारा बेस क्लास है पर्सनल इन्फो और हमारा डिराइव क्लास है टीचर बोलो या टेक्निकल सिस्टम बोलो या वॉचमैन बोलो, आपको जो लिखना है वो लिख सकते. सो
When we inherit one class from another, then visibility mode is used to inherit all the public and protected members of base class. तो देख लेते, हमारे पास पर्सनल इन्फो है, पर्सनल इन्फो में जितनी भी डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन है, जितने भी डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन है वो हम पब्लिकली चाइल्ड क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं, वही उसका बोलना है, ठीक है। विजिबिलिटी मोड इज यूज टू इनहेरिट ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास। सो बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस है, हम सब उसको एक्सेस कर सकते हैं इन चाइल्ड क्लास। सो प्राइवेट मेंबर्स नेवर गेट इनहेरिटेड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेट जो चीजें रहती है क्लास में, हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, नेवर गेट इनहेरिटेड। That's why do not take part in visibility. तो इसीलिए सिंटैक्स में या फिर जहां पे हमको यूज करना है वहां पे सिर्फ विजिबिलिटी मोड हम दो ही यूज करेंगे, एक तो पब्लिक तो प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड रिमेन्स प्राइवेट। तो बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या रहता है, दैट इज प्राइवेट, कॉल्ड एज प्राइवेट, हमेशा क्या रहता है प्राइवेट। सो इज द सिंटैक्स, डिराइव क्लास, विजिबिलिटी मोड, बेस क्लास। So, generally inheritance have five types. So, we call it as, first one is single inheritance, A से चीजें किसमें आएगी, B में। So, A से B में, that is single inheritance। A और B दोनों क्लास कहां पे inherit हो रहे हैं, C में, that is we called as multiple inheritance। A क्लास B में, A क्लास C में, A क्लास D में इनहेरिट हो रहा है, वी कॉल्ड एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ए क्लास बी में, बी क्लास सी में, वी कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और लास्ट होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ए क्लास बी में, ए क्लास सी में, और बी क्लास डी में और सी क्लास डी में, वी कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो हियर इज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस।